हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। O3 प्लस का ये क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम फ्रेंड्स। और ये क्रीम बहुत ही अमेजिंग है, मतलब इसमें एंटी एजिंग के साथ साथ प्लस SPF 60 है, तो ये बहुत ही बेस्ट क्रीम है फ्रेंड्स। और इतनी अच्छी क्रीम है कि आप देख रहे हो कि मैंने एजेस कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ क्रीम लगाया है और उसके बाद ही मैंने सिर्फ थोड़ा सा टचअप किया है कॉम्पैक्ट से, कुछ भी नहीं और कुछ नहीं किया है। और सिंपल सा आज मेरा मेकअप है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और मेरा आप काजल देख सकते हो, ये मैंने जो न्यू अभी मैंने पर्पल कलर शेयर किया था उसमें जो बेला बोस्टे का जो काजल था वही मैंने अप्लाई किया है ग्रीन कलर का। और आप देख सकते हो मेरा जो काजल है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने थोड़ा सा स्मोकी आईज की है तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट लग रही होगी शायद मेरी आईज, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, O3 प्लस का ये जो क्रीम है ना फ्रेंड्स, क्या है कि मैं डेली बेसिस में मैं डेज यूज के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह 7 बजे मैं नहा लेती हूँ। 7 बजे मुझे नहाना होता है, उसके बाद ही मैं सारा काम वाम करती हूँ, क्योंकि किचन में जितना भी काम है वो नहाने के बाद ही करती हूँ। तो मैं सुबह नहाने के बाद किचन में जाती हूँ, इस वजह से मैं इतना मुझे टाइम नहीं होता है कि मेरे पास कि मैं क्रीम लगाऊं, उसके बाद फिर सनस्क्रीन लगाऊंगी, कुछ भी मतलब इतना सारा काम, इतना सारा तामझाम नहीं कर पाती हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकूँ अपने फेस पर। तो इसलिए मैं सनस्क्रीन के साथ ही कोई भी क्रीम होती है ना तो मैं उसको अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि क्या है कि सिर्फ टोनर लगाया और इस तरह की कोई भी क्रीम लगाई जिसमें कि SPF है तो फिर बेस्ट है, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मुझे बहुत सारा काम होता है और मैं भूल भी जाती हूँ सनस्क्रीन लगाना कभी कभी, क्योंकि जब कम अमाउंट की सनस्क्रीन लगाएंगे, जब 30 SPF वाली लगाएंगे या 20 SPF वाली लगाएंगे तो मोस्टली क्या होता है उसके बाद से फिर से ही अप्लाई करनी पड़ती है 2-4 घंटों के बाद। तो फिर क्या होता है कि उस समय के बाद शायद भूल भी सकती हूँ, तो भूलने की वजह से थोड़ा सा कुछ अगर फेस पे कुछ डलनेस आती, कुछ भी होता है, मतलब सन के प्रोटेक्शन में रखना है अपने फेस को तो इस तरह के चीज़ों को अप्लाई करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसी ही कोई क्रीम लेती हूँ, चुनती हूँ जिसमें कि SPF हो, तो मुझे ज़्यादा बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और मैं भूल जाती हूँ इस वजह से। तो अगर भी आप मेरे साथ मेरे से अग्री करते हो तो अगर आप लोग भी ऐसे ही भूल जाते हैं ना तो फ्रेंड्स आपके लिए भी ये बेस्ट क्रीम है, तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, इतनी अमेजिंग क्रीम है और O3 प्लस का तो आप नाम जानते ही हो कि इसके जितने भी फेशियल आते हैं फ्रेंड्स वो ऑसम होते हैं, ऑसम। क्योंकि कुछ फेशियल मैं इसके लेने वाली हूँ, एक्चुअली मैंने ख़रीदा हुआ है बट अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसका रिव्यू। क्योंकि विंटर्स में ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती, तो कोशिश मैं ये करती हूँ कि डल स्किन ना हो, तो मैं इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करती रहती हूँ अपने फेस पर कि डल नहीं होनी चाहिए, स्किन को अच्छा रहना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए, ग्लो प्रोवाइड करना चाहिए। तो ग्लो तो आप देख ही रहे होगे कि मेरे फेस पर मैंने कुछ भी एजेस, कुछ भी हाइलाइटर वगैरह कुछ नहीं अप्लाई की हूँ, लेकिन फिर भी मेरी नोज़ और जो एरिया जहाँ जहाँ हम लगाते हैं हाइलाइटर वो आप देख सकते हो कि मेरा फेस कितना हाईलाइट हो रहा है। तो ये क्या है कि मैं सिर्फ इस तरह का, जो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों से ही आपका फेस अच्छा रहेगा, आपको क्या है कि खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें तो तब वर्क करती हैं जब आप खुश रहें, आपकी स्किन को हेल्दी आप कैसे रख सकते हो अपने ईटिंग फूड की वजह से, जो भी आप फूड ले रहे हो वो कितना बेस्ट है उस वजह से भी। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए इसका रिव्यू एंड डेमो, मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, ये है O3 प्लस की एंटी एजिंग क्रीम फ्रेंड्स, और ये है SPF 60 एंटी एजिंग क्रीम है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, मैं इसको कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ और ये इसमें ना चिपचिप बिल्कुल भी नहीं है और इजीली अच्छे से ब्लेंड हो जाती है फेस पर, अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब अच्छा ही वर्क कर रही है। और अगर आप SPF नहीं यूज़, मतलब सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहते हो ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है फ्रेंड। और क्या है कि इतनी अच्छी क्रीम होने के बावजूद, मतलब आप तो सभी जानते ही हैं कि O3 प्लस का मतलब नाम ही बहुत ज़्यादा है,
बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसकी कुछ भी तारीफ करना तो कुछ भी बनता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसकी, फेशियल तो कितने अच्छे आते हैं और ब्राइडल फेशियल होते हैं वो, कितने अच्छे होते हैं वो फेशियल्स, अगर आप ट्राई किए हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छे, और कॉस्टली बहुत होती हैं इसकी जितने भी प्रोडक्ट हैं। तो एंटी एजिंग क्रीम मैंने मंगाया था फ्रेंड्स, और मैंने सोचा चलिए इसका भी रिव्यू करती हूँ, और SPF 60 के साथ है तो ये मेरे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं इसी तरह की क्रीम यूज़ करती हूँ जिसमें SPF हो। तो फ्रेंड्स इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, और ये मिल जाएगा आपको 385 रुपीज़ में, और इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम। तो फ्रेंड्स क्या है कि ये एंटी एजिंग के साथ साथ ना आपकी स्किन में ना बहुत ही अच्छे से काम करता है, जितने भी आपके रिंकल्स फाइन लाइंस आने लग गई हैं तो वो नहीं आएंगी, और इस तरह का ये ट्यूब पैकेजिंग है फ्रेंड्स, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है और अफोर्डेबल है, मतलब 385 रुपीज़ में, और आई थिंक ये SPF के साथ है तो कितनी अजनी, तो जो सनस्क्रीन लोशन है वो ही कितने महंगे आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि और ये प्लस है कि 60 SPF 60 के साथ मिल रहा है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आप इसको डेली में यूज़ कर सकते हो, और ये सारी स्किन सूटेबल है, आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हो। और क्या है कि ये अभी 2019 का ही है, पैकेजिंग अभी की है, तो इसकी सेल्फ लाइफ चलेगी, इसमें नहीं दिया है कि ये कब तक के लिए, बट हाँ ये चल सकता है, मतलब इसमें जब दिया नहीं है तो काफ़ी टाइम चलेगा। और लगाना कैसे, आप सभी को पता होता है कि आपकी स्किन हमेशा क्लीन होनी चाहिए, जब भी कोई क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद आप इसको अप्लाई कर लीजिए, और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं सारे ही, मतलब ऑलिव है, क्लोव तो बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि क्लोव तो आप जानते हो ना जो कि लॉन्ग होती है वो है इसमें, और बहुत सारे ऑयल्स वगैरह हैं, ग्लिसरिन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को परचेस करना है तो इस तरह से आप परचेस कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप तो चाहते हैं इस क्रीम को लेना तो वाई मस्ट वाई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर कैसा है, ऐसा ही है, मतलब जेल लुक आता है इसका, एज फाइन है, मतलब इस तरह की क्रीम बेस है, ये देखिए इस तरह की क्रीम मिल जाएगी आपको, आराम से ये ब्लेंड हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें, ये देखिए, बस इसको बस आपको थोड़ा लेना है और अपनी स्किन पर इस तरह से अप्लाई करके, और देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ना आप इसको लगाइए और अपने स्किन पे थोड़ी देर मसाज कीजिए, तो सिर्फ 3 मिनट के लिए, और फिर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सुबह में इतना समय नहीं होता है मेरे पास कि मैं इतना मेकअप शेकअप और मतलब इतना टाइम लगाऊं कि क्रीम अलग लगाऊं और सनस्क्रीन अलग अलग लगाऊं, तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैं इस तरह की क्रीम को ज़्यादा ही प्रेफर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है, मैं अभी अभी वॉशरूम से निकली हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी वॉश किया, नहाया है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ ये क्रीम तो मैंने रिव्यू किया ही है, तो चलिए दिखा देती हूँ कि ये SPF 60 है, SPF 60 है, तो मुझे कोई भी क्रीम, और मैंने हाँ टोनर अप्लाई कर चुकी हूँ मैं, तो उसके बाद मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ। इस तरह से आपको लगा लेना है, और आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है आपकी, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है ना, तो आप क्या कीजिए थोड़ा सा कोई भी लोशन या कोई भी मॉइस्चर, बहुत ही ज़्यादा जैसे नीविया हो गई, कोई भी कोल्ड क्रीम अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे ठीक है, बहुत जल्दी आसानी से ये अब्सॉर्ब हो जाता है जल्दी, और थोड़ा सा वाइट वाइट सा भी हो जाता है फेस, और देखिए शाइनिंग आप देख सकते हो, मैं कुछ दिनों से इसको ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है क्रीम, तो मुझे अच्छा लगा, देखिए
रही। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया इसका रिव्यू एंड डेमो, कितनी अच्छी क्रीम है ये भी आप लोगों ने देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स आपको इसका अगर आपको परचेस करनी है फ्रेंड्स ये क्रीम, तो मैं परचेस लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, purple.com से मैंने इसको परचेस किया है, तो मैं आपको दे दूंगी उसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और वैसे ये 385 की है, तो ये 385 की ही मुझे मिली थी। और क्या है कि इसके आप फेस वॉश भी यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है फ्रेंड्स। तो आप कोशिश कीजिए कि मतलब क्रीम के साथ साथ ना जो भी आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ फेस वॉश भी आप उसका ही अप्लाई करें, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता है फ्रेंड। तो अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया है इसका फेस वॉश, बट मुझे क्रीम यूज़ करनी थी क्योंकि क्रीम ना ऑसम है, ये क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, आई लव इट। मतलब इतनी अच्छी क्रीम है और अप्लाई करने में बेस्ट है, मतलब सिर्फ अप्लाई कर लेनी है। और बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन रहती है, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लीजिए, उसके बाद आप इसको लगा लीजिए, 5 मिनट्स के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो जितनी भी आपकी फाइन लाइन्स होंगी वो भी आपकी कम हो जाएंगी। और सनस्क्रीन तो है ही इसमें, SPF के साथ है तो बेस्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, अगर मतलब कि बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है, और कुछ लोग आपको एंटी एजिंग की तरफ जा रहे हो तो ये बेस्ट क्रीम है, तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे तो तीनों ही चीज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर, क्योंकि तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी आपको उसमें कुछ नहीं लगना है, सिर्फ आपको सिर्फ एक टच करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो सब्सक्राइब हो जाता है, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आ जाता है, बेल आइकन पर जरूर हिट कर लीजिएगा, और जैसे ही आप हिट करोगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप चेकआउट कर सकते हो, न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग ना सब्सक्राइब करने के बाद पता नहीं क्या होता है कि वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग ये नहीं जानते हैं कि सब्सक्राइब करने के बाद बार बार उसको दबाएंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है पर्सन आजकल, मतलब अभी तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद फिर से उसको टच करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसा तो कोई भी नहीं है फ्रेंड्स। तो सभी लोग जानते ही हैं कि सिर्फ उसको एक बार टच करना है, दूसरी बार सब्सक्राइब वाले लिखा हुआ है जो ना उसको बार बार टच नहीं करना है, तो प्लीज़ उसको टच मत कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है ना छोटा सा टन टन घंटी बजती है, तो बस उसको हिट करना है, उसको हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप चेकअप कर सकते हो, आपसे मिस नहीं होगा न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स कुछ कभी कभी होता है ना मेरा वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है कभी किसी कारण वजह से, तो क्या होता है कि मैं ना मेरी जो नेट प्रॉब्लम हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से आपके पास वीडियो थोड़ा सा लेट पहुंचता है, बट हाँ पहुंचेगा जरूर, किसी दिन नहीं भी आ पाता है क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है, तो इस वजह से नहीं मैं अपलोड कर पाती हूँ। वैसे मैं कोशिश रोज करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पर आपके पास वीडियो अपलोड हो जाए मेरा, बट नहीं हो पाता, कोई बात नहीं प्लीज़। तो क्या करिए आप लोग, पुराने वीडियोज़ देखा करिए मेरे, तो आप लोग मुझे पुराने वीडियोज़ में भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को अगर आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स बनिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू, बाय।